जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जो है अपना पीएफ का जो पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको पहले जो है केवाईसी करवानी होगी, उसके बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप जो अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। ऑनलाइन केवाईसी करवाने का कम्प्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा। मैं आपको इस वीडियो में जो है केवाईसी जो आपकी होने वाली है उसको कैसे आपको कम्प्लीट करवाना है, कैसे उसका प्रोसेस रहेगा, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जैसे कि अगर आप अपनी केवाईसी करवाना चाहेंगे तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आपकी जो है केवाईसी वो कंप्लीट होगी। आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, सिर्फ यूएएन नंबर होगा, जिसे आपको पहले एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए कैसे आपको प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको एक्टिवेट करना है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको पहले से दूसरी वीडियो ही मिल जाएगी, जाके आप पहले उसे चेक करें, उसे देखें कैसे आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है उसे एक्टिवेट करना है। उसी के बाद आप जो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है उसे एक्टिवेट करना होगा। ये मैंने ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, मैं आपको जो है कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा, बिल्कुल आपको जो है बेसिक तरीके से, और आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आपको जो अपनी केवाईसी करवानी है। कंप्लीट लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो जो है अंत तक जरूर देखते रहें। ये ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसका जो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप जो है डायरेक्ट जो है अपनी केवाईसी के लिए अप्लाई करने का फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक यूएएन नंबर आपके पास होगा, वो यहाँ पर आपको डालना है। और जब आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो एक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद आपके पास जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा मोबाइल नंबर पर, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पर डाल के आपको साइन इन करना होगा। उसके बाद आप जैसे साइन इन करेंगे उसके बाद आपकी केवाईसी स्टार्ट होगी। पहले आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसे एक्टिवेट करना है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद आपको केवाईसी के लिए अप्लाई करने का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो अब मैं आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपका जो है अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आपका यूएएन कार्ड यहाँ पर होगा, अकाउंट की सेटिंग यहाँ पर होगी, इन्हें भी आप चेक कर लेंगे। इस वीडियो में हम केवाईसी के बारे में बात करेंगे, केवाईसी जो है आपकी वो कैसे करनी है आपको, तो आप वीडियो को है अंत तक जरूर है वो देखते रहें। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जो है आपकी मेंबर की डिटेल, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल वो दिखाएगा आपको। प्रोफाइल में जो आपकी यूएएन नंबर होगा, आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ से आप इन पर क्लिक करके जो है आप अपनी डिटेल है चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, प्लस के निशान पर क्लिक करना है आपको। देखिए, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है ओटीपी से ऑथेंटिकेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, और बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पर आपको नोट अवेलेबल दिखा रहा है, तो ये भी आपको अपडेट करना है। आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, तो यहाँ पर आप इन्हें क्लिक करके आप जो है आपको अपडेट करना है। मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कैसे अपडेट करना आपको। देखिए, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है नोट में ओटीपी के द्वारा आपको जो है आधार कार्ड लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको जो केवाईसी करनी है बैंक की, पैन कार्ड की, पासपोर्ट की, जो आपकी केवाईसी होनी है वो यहाँ पर आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पर बैंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले बैंक की क्लिक करना है। जैसे ही बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपनी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम दिखा देगा, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से कन्फर्म करेंगे, आईएफएससी जो आपका कोड है वो डालना है, और आई एग्री पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। मैं आपको सेव पर क्लिक करके दिखा देता हूँ पहले। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी सेंड किया गया है, और आपकी बैंक की डिटेल है जो वो यहाँ पर शो कर देता है। जैसे ही बैंक का नाम आपका जो भी बैंक का है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, और यहाँ पर आपका होल्डर का नाम होगा, ब्रांच यहाँ पर आपको दिखाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ओटीपी डालना है, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी वो सेंड कर दिया गया है, और सबमिट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए, उसके बाद जैसे ही आपकी वेरीफिकेशन हो जाएगी, आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो सेंड कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन। उसके बाद पैन कार्ड की भी केवाईसी यहीं से आप करेंगे, और पासपोर्ट की भी यहीं से करेंगे। जैसे ही आपकी तीनों केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद
आप जो अपनी पीएफ का पैसा हो निकाल सकते हैं। ऐसे आपको जो है केवाईसी करनी है अपनी। अब भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने जो आपका यूएएन नंबर है जो आपका, अगर आपने पहले वो एक्टिवेट नहीं किया है तो उसे एक्टिवेट जरूर कर लेना पहले, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे इसमें। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके चेक कर लेना प्रोफाइल पे, या आप चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। केवाईसी में आपको कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपका पासवर्ड गुम हो गया है तो पासवर्ड पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे आप अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं, तो आप जाके चैनल को चेक कर लेना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।